बच्चे उनको इंटर नहीं किया जा रहा, ये गलत बात आप जैसे लोगों के किया जा रही है। आप जाएंगे अकेले, उससे क्या अर्थ है? बाबा साहब ने शिक्षा भूमि सभी के लिए दी है, समिति में कैसे लोग बैठे, ऐसा फैसला लिया कैसे गया, ऐतिहासिक दिन को काला दिन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आप जैसे लोग ने अगर बात नहीं रखी, हम भी समिति में बात करना चाहते हैं, इधर भेजिए मत, हमको भी बात रखनी है, हमको बात रखनी है, हम बता रहे हैं। अगर आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, पहले बता रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड किया जाए इस चीज को, अगर वो जा सकते हैं अगर वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। कवानी जी नागपुर के हैं तो हम भी नागपुर आज बिल्कुल भी मत कर लिया, ठीक है ना? आप कहाँ से आए मैडम? हम यहीं से नागपुर से, दिस इज माय बर्थ प्लेस, मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है। ये बात करो ना, तो धीरे तो बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी आप आवाज ही बड़ा है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है ना, दिक्कत होती है, दर्द भी होता है। इंजीनियर राष्ट्रीय नाम है मेरा, रहना यही है नागपुर में माने वाला, और आप जैसे लोग होने के बावजूद भी अगर ऐसी हालत हमारे नागपुर की हो रही है, सरकार ने और समिति ने मिलकर फैसला किया, तो कहीं तो हम बाहर से दर्शन करके जा सकते हैं, ऐसी प्रकार बाहर से दर्शन करके चलिए, हम भी नहीं आ सकते तो घर में दर्शन कर रहे हैं, हम मंदिर वाले नहीं है, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिर किसी का मंदिर है, तो फिर आपने बोला हम दूर से दर्शन करके जा रहे हैं, दर्शन है क्या हमारे बाबा का दर्शन करके क्या करेंगे, तो ये दर्शन है केवल, हम नहीं इसको मानते, हम ब्राह्मण की दिखाने चलने देंगे, हमारी क्रांति भूमि है, ये क्रांति भूमि है, इसलिए केवल दर्शन नहीं, क्रांति भूमि का दर्शन, क्रांति भूमि का दर्शन, अब ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी इस तरह का, क्रांति भूमि का दर्शन नहीं, आप गलत कर रहे हैं, दर्शन कैसे होगा मंदिर, तो वही तो कह रहा है सरकार से बोल रहे हैं, सरकार को तो बोल रहा है यही से, तो इसलिए मैसेज दे रहा है, अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा, नागपुर के लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएगा तो सब लोग जाएंगे, जितने लोग यहाँ आए, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, कोई बड़ा छोटा नहीं, हमारे बाबा साहब ने समता का नारा दिया है, समता मतलब इक्वालिटी मैडम, समता मतलब इक्वालिटी, और इक्वालिटी का नारा बुलंद होना चाहिए, बस खत्म, बहुत आना समिति के नाम से लोगों को दादागिरी दिखाना, समिति में अगर ऐसे लोग हैं तो समिति नहीं चलेगी, आप लोगों की पॉलिटिक्स करने के वजह से समाज टूट रहा है, समाज के इतिहास को दबाया जा रहा है, नहीं चलेगा ये सब कुछ, कोई स्पेशल नहीं, अगर समाज को स्पेशल नहीं बनाते हो तो कोई स्पेशल नहीं रहेगा, यहाँ से मैं बता रही हूँ, हमारे सभी लोगों का अधिकार है अंदर जाने का, अगर नहीं जाता तो कोई नेता भी यहाँ नहीं जाएगा, सर तुम इकड़े होंगे, समता का हम नारा बुलंद करेंगे, समता मतलब सब इक्वल, पुलिस वाले हो, प्रशासन हो या कोई भी हो, सिंपल अधिकारी हो, उसको भी अधिकार है, अगर जाएगा तो वो भी जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, हम गोली गोली से रिकॉर्ड कर दिया जाए, दादागिरी नहीं चलने देंगे, जैसे ही बोल रहे दर्शन बता रहे हैं, दर्शन है मंदिर है क्या, दादागिरी लगा के रखा है, ये मंदिर नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह है, इसका दर्शन मतलब दूर से बाबा साहब दर्शन लेने जाते थे भीमा कोरेगा, क्या उल्लू बना रहे लोगों को, अगर बाबा साहब भीमा कोरेगा दर्शन लेने जाने रहते तो दूर से दर्शन करके आते, बोला बता रहे, लेकिन वो दर्शन नहीं, वो क्रांति भूमि है, वहाँ जाके प्रतिज्ञा की जाती है कि हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इस कार्यक्रम को हम बुझने नहीं देंगे, इस तरह की बात होती है, तो आप तो कह रहे हैं कि नहीं यह हम दर्शन करके चले जाएंगे, नौटंकी नहीं चलेगी, समता का नारा बुलंद हो रहा आज नागपुर से, बस खत्म, हम आतंकवादी नहीं है, हम चोर नहीं है, हम अपने जनप्रतिनिधि